शान पंजाबी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा आपके अपने अमित का नमस्कार। आज मैं एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहा हूं जिनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद में हुआ अमिताभ बच्चन का जन्म। इस समय देश में काफी आंदोलन चल रहे थे, इसलिए उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी ने उनका नाम इनकलाब रखा। बाद में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें अमिताभ का नाम दिया। उन्होंने बॉलीवुड में 50 साल पूरे किए हैं और इस मौके पर उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने एक खास मैसेज उनके लिए लिखा है। आए पहले पढ़ते हैं इस मैसेज को। आइकॉन टू मी, ही इज सो मच मोर, माई फादर, माई बेस्ट फ्रेंड, गाइड, बेस्ट क्रिटिक, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट आइडल, हीरो। 50 ईयर्स टुडे ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन फिल्म्स। इवन टुडे हिज पैशन एंड लव फॉर हिज क्राफ्ट एंड वर्क इज द सेम एज आई एम श्योर इट वॉज ऑन द फर्स्ट डे। Dearest Pa, today we celebrate you, your talent, your passion, your brilliance and your immense influence. Can't wait to see what you have in store for next 50 years. The coolest thing he taught me today as I went in the morning to wish him for completing 50 years of being an actor and to tell him that I was leaving for work. I asked him where he was all ready to go. He said, but that was a nice message from Abhishek Bachchan to his father. और इसीलिए इनके 50 साल, अमिताभ बच्चन जी के 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में पूरे करने के बाद हम एक स्पेशल शो, a tribute from शान पंजाबी to अमिताभ बच्चन लेके आए हैं आपके सामने। हम आपको बताएंगे किस तरह से शुरू हुई अमिताभ बच्चन जी की जर्नी, क्या क्या हर्डल्स थे, कहाँ कहाँ किस मुकाम पर वो आज पहुँचे। बॉलीवुड उस वक्त बदलाव के दौर से गुजर रहा था, कई एक्टर्स अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुँच रहे थे। उन दिनों फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास को 7 एक्टर्स की जरूरत थी। जब अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के बारे में पता चला तो वो अपनी 1600 की नौकरी छोड़कर मुंबई आ चुके थे। अब्बास ने अमिताभ को 2 किरदारों की च्वाइस दी तो उन्होंने 1 किरदार चुना। दोनों किरदारों की अगर मैं बात करूँ तो एक था पंजाबी और एक था मुस्लिम। उन्होंने मुस्लिम किरदार अनवर अली चुना क्योंकि इस किरदार में उनके लिए एक्टिंग के स्कोप कुछ ज़्यादा थे। 15 फरवरी 1969 को अमिताभ बच्चन ने अपनी ये फिल्म साइन की। सदी के महानायक का खिताब यूं ही नहीं मिलता, इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। इस रास्ते पर चलने वाले न जाने कितने मुसाफिर बीच सफर में रुक जाते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपना जब ये सफर शुरू किया चलते रहे और पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन अमिताभ बच्चन सभी को पार करना जानते थे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला। ऐसा नहीं कि उनका सफर बहुत आसान था। शुरुआत में 12 फिल्मों को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद 1973 में आई जंजीर फिल्म के जरिए वे दर्शकों के दिल में उतर गए। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। पुलिस ऑफिसर के इस किरदार ने उन्हें बनाया बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन और यहां से हुई शुरुआत एक सुपरस्टार के सफर की। तुम मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। 1982 ये वो साल था जब अमिताभ बच्चन कुल्ली मूवी के सेट पर गंभीर रूप से घायल हो गए और पूरा देश उस समय अमिताभ बच्चन की जिंदगी की दुआएं कर रहा था। कुली मूवी की शूटिंग के दौरान एक सीन में जहां पुनीत ईसर को अमिताभ बच्चन को एक मुक्का मारना था, मुक्का मारने के बाद अमिताभ बच्चन स्टील की एक टेबल पर गिरे और लुढ़कते हुए दूसरी तरफ जा गिरे। सीन काफी रियल लगा। इस पर वहां खड़े सभी लोगों ने तालियां बजाकर अमिताभ बच्चन जी का अभिवादन किया। अमिताभ बच्चन जी भी मुस्कुराए, लेकिन तभी उनके पेट में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। कुछ देर बाद अमिताभ ने बताया कि टेबल का एक कोना उनके पेट में बुरी तरह से चुभा है। इसके बाद अमिताभ बच्चन कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहे। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में 50 से ज्यादा हिट फिल्में दी है। दीवार, सिलसिला, कुली, नमक हराम, कभी कभी, काला पत्थर, पा, मोहब्बतें, चीनी कम, भागवान, इंग्लिश विंग्लिश, पीकू, पिंक और 102 नॉट आउट जैसी शानदार फिल्मों के जरिए अमिताभ ने बॉलीवुड का एक नया आयाम दिया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, न
ना मैं शहंशाह। करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन आज 75 साल की उम्र के हैं और खुद को अभी भी जवान बना के बैठे हुए हैं। नमस्कार करते हैं हुजूर। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? आइए सुनते हैं अमिताभ बच्चन के कुछ ऐसे डायलॉग्स जो शायद उनके मुंह से निकलने के बाद अमर हो चुके हैं। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। केवल अभिनय की बात नहीं, अगर हम डांस की बात भी कर रहे हैं तो अमिताभ बच्चन के कुछ अपने यूनिक डांस स्टेप्स आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। किरदारों की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा किरदार होगा जो उन्होंने बड़े पर्दे पर नहीं निभाया होगा। ए माई, देख अपन पहली बार पुलिस स्टेशन आया, तुम अपन को इंस्पेक्टर का भाई बनाया, आज अपन पहली दफा कोर्ट में जाता है। ए, अपन के एक फूल देंगा गुड लक के लिए। क्या है, उधर जाके इसका माफक कड़क आदमी मिलेगा ना, तो अपन इसको ये फूल दे करके अपन उसको अपन का बाप। चाहे हम रॉकस्टार कहें, चाहे हम एंग्री यंग मैन कहें, चाहे हम एक पुलिस ऑफिसर कहें या फिर एक गुंडा कुली कुछ भी कहें, शायद कोई भी ऐसा किरदार नहीं जो उन्होंने नहीं निभाया। बॉलीवुड की दुनिया में 50 साल पूरे करने पर अमिताभ बच्चन जी को हमारी शान पंजाबी की टीम की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे, फिर आऊँगा मैं लेकर किसी एक व्यक्ति विशेष को जिस पर करेंगे बात। तब तक शबा करूँ।